जल्दी चलो। राजा, राजा, उठो। गीता, इतनी रात में तुम यहाँ? चैत्रा, गीता, जल्दी बाहर आओ। चैत्रा अनवर के साथ घर से भाग गई है। क्यों? मम्मी पापा अब तक ये बात नहीं जानते हैं दीदी। गीता, राजा के पास जाके हेल्प मांगते हैं। राजा के पास? राजा कौन है? गीता का फ्रेंड है आंटी। तुम लोग जाके जल्दी से राजा को बुला के लाओ। जाओ। उसके मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता। राजा प्लीज हेल्प करो, प्लीज प्लीज। चलो ए उठ, जीप की चाबी दे। सुनो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, सारे आदमी को भेज दो जल्दी। चाबी लो। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना। ओके ओके। हेलो, लड़कों को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे चेक करें, व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भेजा है। सब जगह पे देखो। बस स्टैंड में भी चेक करने को बोलो। प्राइवेट बस को मत जाने देना, सबको चेक करो। कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढो। रेलवे स्टेशन में नहीं है गुरु। यहाँ पर भी नहीं भाई। यशवंतपुर में भी नहीं गुरु। गुरु, एरिया में सब लड़के ढूंढ रहे हैं। हाय राजा, मेरी एक फ्रेंड मिसिंग है सर। एक फोटो मुझे भेज देना। ठीक है सर, भेजता हूँ। हेलो, कंट्रोल रूम, और कोई नंबर है क्या? नहीं है। हेलो राजा, व्हाट्सएप पे जो लड़की का तूने फोटो भेजा है वो इधर ही है। कहाँ पर? कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चैत्रा कैंगरी रेलवे स्टेशन पे है। चल मुझे। ए, छोड़ दो उसे। राजा, तू इसमें इंटरफेयर मत कर, ये मेरा पर्सनल मामला है। क्या पर्सनल मामला है रे? प्यार में मुश्किल आएगी तो उसका सामना करना चाहिए, डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। कितना भी मनाने के बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे वो? बेटा बोलकर तेरी शादी करवा देंगे। हाँ, उन्होंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लीज राजा छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? यहाँ पर भाग कर आ गई तुम, तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी खराब हो सकता है, उनकी जिंदगी नहीं है क्या? माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो। अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दरवाजे के अंदर बंद करके जाएंगे, पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो। राजा, मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ए, पूरी हिस्ट्री देख ले, बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार कामयाब नहीं होता। तुम दोनों आज भाग जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है? जब तक माँ बाप साथ में है उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनके ना रहने पर समझ में आती है। इतनी बड़ी भूल मत करो। अपने प्यार के लिए तुम एक साल इंतजार कर सकते हो ना, उसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए तुम एक साल इंतजार नहीं कर सकते? देखो, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं इज्जत करता हूं। अनवर, मेरी बात समझ में आ रही है? चैत्रा, तुम्हारे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूं। बाय दीदी। बाय। राजा, तुम्हें अपने माँ बाप बहुत पसंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? थैंक यू राजा। गीता, चैत्रा मिली क्या? मिल गई माँ। तो फिर इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। क्या किया इसने? आंटी, वो राजा है ना, इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन ये है कि उसे जाने बिना इसने उस बेचारे का दिल दुखा दिया। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। हमारे बुलाने पर आधी रात में आकर उसने हमारी मदद की। देख गीता, स्टेटस दिखाने वाले तुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन माँ बाप की इज्जत करने वाला करोड़ों में एक ही होगा। ऐसे आदमी को मिस करोगी
तो इस दुनिया में तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। देख गीता, तुम अभी उसको बोलती हो, नहीं तो मैं वेटिंग में खड़ी हूँ। वैसे भी मेरा कोई लवर नहीं तो मैं उस पर ट्राई मारती हूँ। हे, आई लव हिम मॉम, आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? हाँ, हमें दामाद मिल गया। इज इट? कांग्रेचुलेशन, शादी का हॉल बुक करें। अरे बेवड़े, इतने दिन कहाँ मर गया था, दिखा नहीं तू? मैसूर में अफ्रीका से लाया गया बाघ का नेल पॉलिश करने गया था। सबको सांप सूंघ गया क्या? क्या सुबह सुबह पीना चालू कर दिया क्या? साले, खुद को समझ के क्या रखा? अपमान करने वाली कोई खरीदारी करने ले गया था। मैं क्या, उस दिन कॉफी डे में सबके सामने तेरे मुंह पे चप्पल पड़ी, तेरा तमाशा बना, कमीने, फिर भी अकल नहीं आई तुझे? ए चिका, तू ओवर बात कर रहा है। कल भगाने वाले कोई भगा लिया तो पकड़ने बुलाएंगे तो फिर मुंह उठा के पीछे पीछे भागेगा क्या? आज वो आकर राजा 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 मेरे घर पे नौकरानी नहीं आई है, आकर कपड़ा धो ऐसा बोलेगी तो वो भी धो लेना। कल को रंगोली बनाने बोलेगी, सब्जी काटने बोलेगी, घर साफ करने बोलेगी, फाइनल में घर का काम करने के बाद तुम्हें ही घर का चौकीदार बना के रखेगी। करेगा ना राजा? चिक्का बेहोश होकर गिर गया, पानी लेके आ रहे, जल्दी लेके आ, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल। चिक्का क्या हुआ तुझे? वाटर लेके आता हूँ ना मैं। मैंने बोला था नहीं होश में आ जाएगा। होश आया राजा? कब आया? शैत्रा कैसी है? तुम अकेले क्यों गए? मुझे भी बुलाते तो मैं भी आता था ना। गीता तो अच्छी है ना? मैं जिम जाकर आता हूँ, थोड़ा वर्कआउट करके आता हूँ। तेरे में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। एए, कौन है, किसने कहा मुझे शर्म नहीं आती है? मैंने बोला। क्या गुरु, मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचानता क्या? एए, अगर किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर दिखा रहे। सुधरेगा ये। राजग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजर विजय। राजा के साथ घूमने वाला फालतू आदमी वो तू ही है क्या? तू अब भी वहाँ है क्या? अच्छा, तू अब भी यही है क्या? अरे अब भी वही टाई, वही बंधन, वही शर्ट, वही पैंट। ओए, पैंट के अंदर का अंडरवियर भी वही है। देखेगा, देखेगा, निकाल दो, देखेगा। देखे के सामने गोश्त काट का चकना बेचने वाला टाई पहनकर टू व्हीलर में आएगा तो ऐसा ही होगा। ए, ये गोश्त काटने वाले को गाड़ी के साथ खाली कर रहे। बेटा विजय भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा हूँ। चाचा जी ने कल तुमको रजिस्ट्री ऑफिस बुलाया है। ठीक है, मैं आ जाऊँ। हेलो हेलो राजा। हाय रानी। हे करीमला, मैं हूँ गीता। सॉरी राजा, किधर है? वो क्या है कि फोन इधर छोड़कर रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए हैं वो। ओह ठीक है, मैं उधर चली जाती हूँ। सत्यराज कैसे हो? ठीक हो? 10 मिनट में बुलाता हूँ तुमको। हाँ ठीक है। भाई, मेरी और लावण्य की साइन जरूरी है क्या? हाँ शांता। और कितना वक्त लगेगा? दीदी आप कार में ही बैठो, तैयार होते ही मैं खुद बुलाता हूँ। लावण्य, पिताजी, भाई अकेले खड़े हैं वहाँ, उनको भी बुला लो ना। नहीं अभी रहने दो बेटी। एटलीस्ट मुझे उनके साथ जाके बात करने की इजाजत दो। नहीं बेटा, बेकार में रामायण की कहानी को दोहराओ मत। भाई को ऐसा देखने पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।